Assalamualaikum everyone. आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेंटल इम्प्लांट्स, इम्प्लांट मटेरियल्स। डेंटिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उनमें से एक जो इम्प्लांटोलॉजी की फील्ड है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव और क्रिटिकल और सेंसिटिव भी है। तो आज इम्प्लांट मटेरियल्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जितना मुझे नॉलेज है उतना डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स यूज़ तो करते हैं फॉर द सेक ऑफ रीप्लेस हो सके हमारी टू रीप्लेस फिक्स प्रोसीजेस एंड पार्शल प्रोसीजेस से छुटकारा मिलके हमें डायरेक्टली इम्प्लांट लगाएं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ के लिए हम इम्प्लांट्स लगाते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स टू पार्ट्स। एक्चुअली इसके टू पार्ट्स नहीं होते, इसके तीन पार्ट्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपको शायद पिक्चर भी आ रही हो। एक तो होता है आपका जो कि बोन के अंदर होता है उसे कहते हैं इम्प्लांट फिक्सचर, फिर एक उसके ऊपर एक कवर होता है जो कि आपको म्यूकोजा की तरफ नजर आता है उसे कहते हैं अबटमेंट, और अबटमेंट के ऊपर क्राउन लगता है जिसको आर्टिफिशियल टूथ भी आप समझ लें जो कि ओरल कैविटी में नजर आता है। ये तीन पार्ट मिलके आपका पूरा डेंटल इम्प्लांट बनाते हैं, फिक्सचर, अबटमेंट और उसके ऊपर क्राउन, फुल डेंटल इम्प्लांट होता है। अभी मैं आपको साइज भी बताता हूँ कि कितनी लेंथ होती है डेंटल इम्प्लांट्स की और क्या डिटेल से बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इम्प्लांट, कौन कौन सी बायोकंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, फंक्शन उसका एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड ईज ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन तो इससे ज्यादा है, मैं आपको बताता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ वे दे आर स्टेबलाइज, सबसे पहले तो सुपर सब पेरिओस्टियल, सब पेरिओस्टियल आपको जैसे नजर आ रहे हैं कि ये बोन के ऊपर और जिंजिवा के अंदर प्लेस हुए होते हैं। ओपन फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट अलॉय, फ्रेमवर्क होता है एक कास्ट लोए का, रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ बोनी रिज के ऊपर ये पड़ा होता है बिनीथ द म्यूकोजा। कास्ट कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज के अंदर यूज होते हैं और हाइड्रोक्सीपेटाइट की कोटिंग करते हैं। क्यों हाइड्रोक्सीपेटाइट की कोटिंग करते हैं, क्योंकि हमारी जो टूथ है उसके अंदर भी हाइड्रोक्सीपेटाइट है और बोन के अंदर भी हमारा कैल्शियम ज्यादा है, तो हाइड्रोक्सीपेटाइट की हम कोटिंग करते हैं ताकि बोन के साथ की केमिकली बाउंड कर जाए और ऐसे बाद में केरीज के चांसेस ना आए, इन्फेक्शन के चांसेस ना आए। लेकिन इस पूरे फ्रेमवर्क को ऐसा यूज नहीं किया जाता क्योंकि फिर वो ये रिजॉर्प्शन ज्यादा करता है बोनी रिज के। उसके बाद ओसियो इंटीग्रेटेड आते हैं जो कि बोन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, बेरियर इन द बोन फेल बिकॉज म्यूकोजा ग्रू टू कवर एंटायर सर्फेस ऑफ द इम्प्लांट, म्यूकोजा इसको पूरा कवर कर लेता है और ये पता ही नहीं लगता कि इम्प्लांट आपका किस जगह पर, तो फिर ये फंक्शन कैसे अपना पूरा करेगा। ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता था। उसके बाद ब्लेड वेंट एंड ऑसियस, एक और क्लासिफिकेशन इसके अलावा होती है, वन एंड इमीडियल इन द म्यूकोजा एंड अदर एंड प्रोट्रूडेड, एक एंड इसका म्यूकोजा में होता है और अदर एंड हमें नजर आ रहा होता है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम निकल टाइटेनियम, एक्सलेंट बायोकंपैटिबिलिटी होती है। क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर सक्सेस इज केयरफुल बोन सर्जरी, दो सर्जिकल प्रोसेस होते हैं, दो सर्जरीज होती हैं डेंटल इम्प्लांट्स की, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दोनों में किसी जगह पे नेग्लिजेंस अगर मुजाहरा किया गया तो फिर वो इम्प्लांट फेलियर की तरफ जा सकता है। लो कटिंग स्पीड, कूलिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू अवॉइड बोन डैमेज। अच्छा, जब आप डेंटल इस लेक्चर के बाद आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा कि डेंटल इम्प्लांट करते कैसे हैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट, तो क्या करते हैं कि एक स्क्रू है, उस स्क्रू को आपने बोन के अंदर आपने पेयर्स करना है, उसको फिट करना है उसके अंदर। तो आपको एक रोटेटिंग मटेरियल होता है, उसके स्क्रू को मूव करते रहते हैं, आप बोन ड्रिल भी हो रही है और स्क्रू भी अंदर डाला जा रहा है, तो वो हाईली जब ड्रिलिंग होती है तो हीट से लिबरेट होती है, तो हीट की वजह से आपके जो बोन्स के अंदर सेल्स हैं, जितने भी किस्म के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और एपिथेलियम के जितने सेल्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, तो उससे आपकी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो बहुत आराम से आपकी ड्रिलिंग होती है, इतनी हाईली रोटेशन नहीं होती ताकि इन्फेक्शन ना हो, और उससे जो हीट एलेबरेट हो रही होती है वहाँ से वाटर भी हमारा रिलीज हो रहा होता है एक पॉइंट से, कूलिंग का कॉज करता है और कटिंग, और उससे हमने हर तरीके से उसको बचाना होता है। तो बड़ा ये डेंटल इम्प्लांट थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, सर्जरी आपकी लंबे अरसे तक चल सकती है ताकि आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एंडोस्टिकल प्लांट्स इम्प्लांट्स पे यूज़ किए गए, जब पहली इम्प्लांट जितने भी हम यूज़ करते थे सुपर पेरिओस्टियल वाले वो फेलियर की तरफ जाने लग पड़े, तो एंडोस्टिकल प्लांट्स इम्प्लांट्स हम यूज़ करते थे जिसके अंदर से एक तो रूट फॉर्म इम्प्लांट्स है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं और अभी तक यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद रेमस फ्रेम इम्प्लांट्स है जिसके ऊपर आप पूरे मैंडिबल का फ्रेमवर्क बनाते हैं और फिर इसके ऊपर इम्प्लांट्स लगाते हैं, और फिर थ्री प्लेट फॉर्म इम्प्लांट्स हैं जिसके अंदर आप एक प्लेट टाइप जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्क्रू टाइप मटेरियल नहीं होता है, एक प्लेट आप रेमस मैंडिबल या उसके अंदर मैक्सिला के अंदर प्लेस करते हैं और उसके ऊपर आप अपना क्राउन प्लेस कर देते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा यूजर जो होता है दैट इज रूट फॉर्म इम्प्लांट्स जिसके अंदर सिलेंडर, स्क्रू फॉर्म और कोन शेप और कम्बिनेशन आते हैं। सेकेंडली मैं आपको जो शो कराना चाह रहा था वो ये पिक्चर है डेंटल इम्प्लांट्स की। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि इंटीरियर इम्प्लांट्स का आपका जो नॉर्मली साइज होता है जो 3.25 mm और इससे कम होते हैं, क्योंकि एंटीरियर्स के अंदर आपकी रूट्स इतनी लंबी नहीं होती और सिंगल रूटेड होती हैं और उसको आपकी इतनी स्ट्रेंथ चाहिए भी नहीं, तो आप लंबा के क्यों इतना उसको रूट को रखें।
पोस्ट पोस्टीरियर इम्प्लांट्स के आपको 7 to 8 mm इतनी ज्यादा आपको लेंथ चाहिए होती है. 7 to 8 mm भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू 3 इट इज मच लॉन्गर, क्योंकि वहां आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वहां आपको आपने बाइटिंग करनी है, मैस्टिकेशन फोर्सेस चाहिए, तो इसलिए आपको इम्प्लांट भी ज्यादा लेंथ स्ट्रेंथफुल चाहिए ताकि कल को क्रैक ना हो जाए और कोई भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन ना हो. क्लासिफिकेशन मैंने इसके अंदर बताई गई है कि जैसे आपका पहले डेंटिस्ट ने क्या सोचा था कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा था कि हमारा नॉर्मल टूथ की क्या पेरिडॉन्शियम होता है, पीडियल बोन एंड सीमेंटम, और सेंटर में आपके पीडियल फाइबर्स होते हैं और फिर पेरिडॉन्शियम के थ्रू ये अटैच होते हुए होते हैं पीडियल के साथ एक तरफ और बोन के साथ. और वो फाइबर्स को साइंटिस्ट दोबारा बनाना चाह रहे थे कि इम्प्लांट के अंदर भी हम ऐसे फाइबर्स बना लें या ऐसे फाइबर्स बन जाए, हम ऐसी इसको कंडीशंस दें और नेचुरल टूथ के साथ रिजेंबल्स करेगा और अच्छी चीजें आएंगी. तो फाइबर इंटीग्रेशन हमारी क्लासिफिकेशन आई कंप्लीट इनकैप्सुलेटेड फॉर्म ऑफ इम्प्लांट विद द सॉफ्ट टिश्यूज. हमने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया सॉफ्ट टिश्यूज के साथ, इट रिजेंबल्स हाईली वैस्कुलर पीडीएल फाइबर्स. उसके अंदर हमने पीडीएल फाइबर्स ग्रो करवाए, ठीक है. अब बोन और जो हमारा इम्प्लांट था उसके दरमियान में स्पेस थी और वहां पर फाइबर्स ग्रो करने लग पड़े, ठीक है. ससेप्टेबल टू अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इम्प्लांट फेज है. वो जो पीडीएल फाइबर्स थे जो हमने आर्टिफिशियली ग्रो कराए ये फाइबर इंटीग्रेशन में, उसकी पेयर्स ऑफ फाइबर्स टाइप थी, लेकिन एट द एंड वो अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बायस बने, दैट लीड्स टू इम्प्लांट फेलियर. तो इसीलिए हम फिर फाइबर इंटीग्रेशन वाला यूज नहीं करते, हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन, मतलब कि वहां पे कोई स्पेस ना हो, डायरेक्टली बोन और आपका इम्प्लांट बोथ कम इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर और कोई फाइबर फॉर्मेशन ना हो, तो वो फिर इम्प्लांट फेलियर में इतना नहीं गया. Direct adaptation of bone and implant, no interbony mediates tissue or no interbony space. Depends on implant design कैसा होता है और surface chemistry, मतलब implant के ऊपर आप कैसी चीज़ें लगाते हो, उसको coating कैसे करते हो. हम coating करते हैं ताकि उसको मजीद हम stable और biocompatible बना सकें. उसके बाद criteria of success. अच्छा, clinically आपको जो implant जब आप लगा देते हो तो इट शुड बी लेस देन 1 mm डेविएशन. उसकी मोबिलिटी जो होती है, आप नॉर्मल टूथ भी देखें उसको अगर आप हिलाएं तो उसकी भी मूवमेंट होती है, फिक्स नहीं होते हैं कभी भी दांत, क्योंकि उसके अंदर पीडीएल फाइबर्स या पीडीएल फाइबर्स को अलग अलग ने बनाया ही इसीलिए ताकि एक्स्ट्रा फोर्स को बर्दाश्त कर सकें और थोड़ी बहुत मूवमेंट एज अ शाफ्ट एक्ट करते हैं. गम्फोसिस के अंदर जैसे मोटर बाइक की शाफ्ट होती है वो एब्जॉर्ब करती है आपके प्रेशर को, तो टूथ के ऊपर भी जब फोर्स लगती है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन तो अल्लाह ताला ने एक शाफ्ट के तौर पर पीडीएल फाइबर्स पेरिडॉन्शियम लगाया हुआ है तो वो आपके फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी भी मूवमेंट होती है आइडियली नेचुरली रखी हुई अल्लाह ने. क्लिनिकली जो इम्प्लांट्स के अंदर उसके अंदर भी 1 mm आपकी मूवमेंट होनी चाहिए और वर्टिकल बोन लॉस शुड बी लेस देन 0.2 mm एनुअली, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना वो फिर ज्यादा बोन रिजॉर्प्शन की तरफ जा सकते हैं. एब्सेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, पेन, इन्फेक्शन, न्यूरोपैथीज, इन सब ये सब ना हो. नो एविडेंस ऑफ एक्सरे, रेडियोलेंसी. ओके, उसके बाद आपके कितने टाइप्स के इम्प्लांट्स आते हैं. एक तो मेटेलिक इम्प्लांट्स आते हैं, अभी कौन कौन सी कंपोजिशन होती है. फिर सिरेमिक इम्प्लांट्स आते हैं, सिरेमिक कोटेड आते हैं, मतलब मेटल के बना के ऊपर सिरेमिक कोटिंग भी कर सकते हैं, और पॉलीमर्स के आते हैं. सबसे ज्यादा इसके अंदर मेटल मेटेलिक और सिरेमिक यूज होते हैं, मेटेलिक सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हैं. इसके मेटेलिक के अंदर आपके निकल टाइटेनियम अलॉयस, निकल के टाइटेनियम के आपके इम्प्लांट्स यूज होते हैं और स्टील के, स्टेनलेस स्टील के यूज होते हैं. अच्छा, निकल टाइटेनियम आपका एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील एक बहुत ही अच्छा मटीरियल है. इसके इम्प्लांट सालों चलते हैं अगर आप केयर करके चलाते हैं. स्टेनलेस स्टील में भी आपकी अच्छी है लेकिन निकल टाइटेनियम की ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी, उसको केरीज नहीं लगती और उसमें क्रैक नहीं आता और इस तरह की बहुत सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं. लेकिन स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या है कि आपकी क्रोजन आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इम्प्लांट पुराना होता है. तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि स्टेनलेस स्टील यूज़ क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू निकल टाइटेनियम ये थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है. निकल टाइटेनियम के इम्प्लांट्स महंगे होते हैं. इम्प्लांटोलॉजी, डेंटल इम्प्लांट एक महंगी फील्ड है और मुश्किल से एक्सपेंसिव होते हैं. सिरामिक लाइक और सिरामिक कोटेड इम्प्लांट्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि सिरामिक के इम्प्लांट्स बना देते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड होते हैं और उनके ऊपर हम ब्लास्टिंग करते हैं या बम्बार्डमेंट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स लगाते हैं, सिरामिक की लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन ग्रोथ करवाते हैं. जैसे अगर कोई बूढ़ा आदमी आ गया, उसकी बोन रिजॉर्प्शन हुई हुई है, उसकी मैंडिबल का ये जो रेमस है, मैंडिबल रिज है, वो बहुत रिजॉर्व हुई हुई है और उसने इम्प्लांट भी लगवाने हैं, और फिर हम क्या करेंगे कि सिरामिक का मेटल का इम्प्लांट यूज करेंगे, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स की, हाइड्रोक्सीपेटाइड वगैरह लगाएंगे और इम्प्लांट लगा देंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रोथ फैक्टर्स बोन ग्रोथ करवाना शुरू कर देंगे, हाइड्रोक्सीपेटाइड वगैरह वो ग्रो करवाएंगे बोन को, तो इम्प्लांट फिर वो सालों चलेगा. उसके बाद पॉलीमर्स आता है, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये इतना ज्यादा सच यूज नहीं होता. मेटेलिक इम्प्लांट्स की पैसिवेशन होती है, मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड लेयर क्रोजन डिक्रीज करने के लिए हम उसकी पैसिवेशन प्रोसेस करने का करते हैं. एनोडाइजेशन, मतलब एक हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देते हैं
एक को प्योर एनोड बनाते हैं और कैथोड बनाते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हमने फिर वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से एक प्योर मेटल बना लेते हैं। तो एनोडाइजेशन में भी ऐसे होता है कि हम क्रोजन रेजिस्टेंट करने के लिए हम उसको मेटल जो भी यूज करें उसकी एनोडाइजेशन करते हैं ताकि वो क्रोजन रेजिस्टेंट हो जाए। उसके बाद आयन इम्प्लांटेशन करते हैं, उसके ऊपर आयन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, सर्फेस टेक्सचर इंक्रीज, सर्फेस एरिया करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपैक्शन एंड सिंटर्ड सिंटरिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा सिरामिक लाइक और सिरामिक इम्प्लांट बनता है, जिसके ऊपर फ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स को हाई टेम्परेचर पे 800,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं और एटॉमिक लेवल पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर जाते हैं और प्योर एलॉय बन जाते हैं, उसको फिर हम यूज करते हैं। तो इमीडिएट आजकल जो डेंटिस्ट्री में यूज होती है, क्योंकि इम्प्लांट कैसे करते हैं कि जब एक दफा बोन ड्रिलिंग करते हैं और इम्प्लांट जो हमारा फिक्सचर है उसको हम करके और ऊपर से स्टिचिंग कर देते हैं म्यूकोसा की, तो आफ्टर 3 to 4 months, 6 months बोन डिसॉर्प्शन, बोन खुद को रिकवर करती है और पूरी बोन और जो डेंटल इम्प्लांट है दैट इज कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और फिर दोबारा हम उस पर कट लगाते हैं जिंजवा पे और जो ऊपर अबटमेंट लगी हुई है अबटमेंट के ऊपर क्राउन लगाते हैं। तो ये दो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, एक पहले और फिर कुछ महीनों बाद में, लेकिन पेशेंट इतना वेट नहीं कर सकते, तो इमीडिएट इम्प्लांट की तरफ भी डेंटिस्ट्री जा रही है। लेटेस्ट टेक्निक है कि इमीडिएट इम्प्लांट में क्या होता है कि आपका कोई दांत है वो आपकी उसकी केरीज बहुत ज़्यादा हो गई है और अब वो नहीं बच सकता और आप उसको फौरन उसकी एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, और एक्सट्रैक्शन करवा के आपकी जो रूट्स होती हैं चाहे वो अपर है या लोअर है, आपकी जो बल्किस्ट रूट है उसके अंदर आप इम्प्लांट को फिक्स कर देते हैं और ऊपर से स्टिचिंग कर देते हैं। इम्प्लांट फिक्सिंग के बाद कुछ महीनों बाद आपकी फौरन ही बोन रिकवर हो जाती है और फिर आप उसके ऊपर क्राउन अपार्टमेंट लगा देते हैं। इम्प्लांट फिट जस्ट आफ्टर एक्सेक्शन ऑफ द बल्किस्ट, तो ये इमीडिएट इम्प्लांट टेक्निक इसको कहते हैं। उसके बाद मजीद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्लेड वेंट भी पढ़ ली, उसके बाद बायो कम्पेटिबिलिटी स्टेबिलिटी सम मटीरियल इंकरेज सम बोन ग्रोथ, ये मैं बता चुका हूँ, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, ये भी बता चुका हूँ। अच्छा कमर्शियली अवेलेबल स्टैंडर्डाइज्ड, अच्छा उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि इम्प्लांट फेलियर कैसे होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेलियर इज लूजिंग ऑफ इम्प्लांट, जब एक दफा फर्स्ट करें कि फर्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर में आपका इम्प्लांट डेंटिस्ट ने लगा के भेज दिया, अब आप खा रहे हैं उसी तरफ से खा रहे हैं और डेंटल इम्प्लांट बिल्कुल आपका इसके अंदर बहुत सेंसिटिव टेक्निक होती है कि डेंटल इम्प्लांट आपने डायरेक्ट एक एंगल पे लगाना होता है कि जिसके ऊपर डायरेक्ट जो आप ड्यूरिंग मैस्टिकेशन आप फोर्स लगाएं तो वो नेचुरल टूथ की जैसे फोर्स लगती है रिज के ऊपर, इसी तरह डेंटल इम्प्लांट भी फोर्स लगाए। तो जब आप उसकी उस साइड से जैसे फर्स्ट करें मेरे राइट साइड पे डेंटल इम्प्लांट लगाए तो मैं इसी तरह से खा भी रहा हूँ और कोई ख्याल नहीं कर रहा, तो डेंटल इम्प्लांट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा, तो उसकी या तो डेविएशन हो जाएगी या डेंटल इम्प्लांट लूज हो जाएगा या उसकी 1 millimeter से ज्यादा उसकी मोबिलिटी हो जाएगी, तो दैट लीड्स टू इम्प्लांट फेलियर एट द एंड। तो प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट इन्वॉल्व्स टू सर्जिकल प्रोसीजर, फिक्सचर इज बरेड, बोन सॉफ्ट क्लोजर कैरेड आउट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से दो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। पहले आप जो आप इम्प्लांट फिक्सचर है उसको आप बोन के अंदर फिक्स करते हैं और जब बोन हीलिंग हो जाती है आफ्टर 3 to 6 months मैंडिबल के अंदर और मैक्सिला के अंदर डिपेंड करते हैं तो आपका म्यूकोसा भी बन जाता है जिंजिवा भी बन जाता है, तो आप सेकंड प्रोसीजर के लिए आते हैं और उसके अंदर फिर आप अबटमेंट और वो क्राउन सेकंड प्रोसीजर में करते हैं। द अल्वियुलर बोन ग्रोज एंड इफेक्टिवली इनकाइलोसिस, इनकाइलोसिस होता है कि आपके एक नेचुरली इनकाइलोसिस होता है, इट्स अ डिजीज कि आपके एक नेचुरल टूथ और बोन के दरमियान गोम्फोसिस के अंदर आपका पीडियल फाइबर नहीं बना, आपके पेरिटोनशियम नहीं बना, तो आपकी बोन और सीमेंटम डायरेक्टली आपस में कॉन्टेक्ट में आएगी, कोई पीडियल फाइबर वहाँ पे नहीं होगा। तो एनकाइलोसिस हम करवाते हैं डेंटल इम्प्लांट में, मतलब कि आपका डेंटल इम्प्लांट जो कि मेटेलिक मेटल है या जिस तरह के जो भी वो और आपकी बोन वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाए, मतलब जो भी वहाँ पे कोई भी स्पेस ना हो कोई भी फाइबर्स ना हो तो उसको इनकाइलोसिस कहते हैं। तो सेलुलर अटैचमेंट हो जाए एपिथीलियम की फिक्सचर के साथ, डिफर फ्रॉम द नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द टूथ जो कि नेचुरल टूथ होता है उससे डिफर करता है। अटैम्प्ट्स मेड टू इंप्रूव एफिकेसी, कितनी अटैम्प्ट्स की बायो एक्टिव सिरामिक हम यूज करते रहे, सरफेस ट्रीटमेंट टाइटेनियम, बायो एक्टिव ग्लास कोटेड इम्प्लांट्स हम उसकी बम्बार्डमेंट करते हैं और रफनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ टाइटेनियम बाय मैकेनिकली साउंड ब्लास्टिंग जनरेट्स इंटरफेशियल स्ट्रेंथ, ये इंटरफेशियल स्ट्रेंथनिंग आपको नजर भी आ रही है हम उसी से करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग टाइटेनियम, अब टाइटेनियम को हम यूज क्यों करते हैं, एक तो लाइट है लाइट वेट है, हम इम्प्लांट लगा देते हैं अगर मेटल लगाएंगे तो उसका थोड़ा बहुत वेट तो अगर मेटल लगाएंगे तो वेट उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन निकल टाइटेनियम के अंदर उसका वेट कम ही रहेगा। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, स्टील स्टेनलेस स्टील के नस्बत कैन बी सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट के अंदर भी ये यूज किया जा सकता है, इसको ऐसा किसी प्रॉपर्टीज में कोई इफेक्ट नहीं होता। रेजिस्ट साइक्लिकल फटीग और साइक्लिकल स्ट्रेसेस भी ये बर्दाश्त कर सकता है और क्रैक भी क्रैक रेजिस्टेंट भी, मतलब इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग मच बेटर, तो दैट्स वाई वी यूज टाइटेनियम इम्प्लांट्स। दैट वॉज ऑल बट
डेंटल इम्प्लांट्स आई थिंक सब कुछ कवर हो गया।